बॉलीवुड आईना में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी 2 की। देविका और जत की लड़ाई सारी हदें पार कर चुकी है। देविका की आवाज से मैं भी परेशान हो गया हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे घंटे शो देखना पड़ता है तभी मैं ये परफेक्ट न्यूज बना सकता हूँ। तो जब मैं परेशान होगा तो आप कितना परेशान होंगे? आप तो कुछ ही घंटे देखते हैं। उसकी कर्कश वाली आवाज कानों को बड़ा चुभती है। तो इसी पे हम आज ये वीडियो बनाया है, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया? अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो शुरू करते हैं। बिग बॉस ओटीटी 2 के घर में बेबी का ध्रुवे से फाइट के बाद जद हदीद रोते बिलखते दिखे और उन्होंने घर से निकलने के लिए तैयार है। शो में इस वक्त बेबी का ध्रुवे ने तूफान मचा रखा है। टीवी शो के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल शो कहे जाने वाले बिग बॉस के घर के अंदर का माहौल अब इतना गर्म हो चुका है कि इस शो के पार्टिसिपेंट जद हदीद को घुटन होने लगी है। बेबिका ध्रुवे की बातों से परेशान और दुखी जद ने अपने घर के अंदर अपना बैग पैक कर लिया है और बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। जद इस घर से अंदर रोते बिलखते हुए घर से बाहर जाने की बात करते हुए नजर आए। पिछले एपिसोड में बेबिका ने जद हदीद और अभिषेक मलान के लिए खाना बनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी किसी और को सौंपने को लेकर के जमकर बहस हुई। बेबिका किचन का काम करते हुए लगातार इन दोनों के खिलाफ बोलती रही और खुद के लिए विक्टिम कार्ड जमकर खेलती दिखी। पूजा भट्ट भी बेबिका के सपोर्ट में नजर आई। बेबिका के लगातार बम बॉर्डिंग से परेशान जद आखिरकार अंदर से टूट गए और फूट फूट कर रोने लगे। रोते बिलखते दिख रहे हैं जद हदीद, सामान पैक कर लिया है। घर के अंदर की झलकियां सामने आईं, जिसे देख करके जद और इस शो के फैंस परेशान हो उठे। लोगों ने जद के लिए रेड हार्ट शेयर कर उनके लिए प्यार बरसाया है। कुछ यूजर ने लिखा है, बेबिका ध्रुवे अब बर्दाश्त करने लायक नहीं रही। ऐसा तो रियल लाइफ में भी कभी कोई लड़की नहीं करती है। प्रॉब्लम होती है तो जनरली लड़कियां बंदों को इग्नोर करती हैं। ये तो खुद सामने से आकर पोक करती है और फिर विक्टिम कार्ड भी खेलती है। एक अन्य ने कहा, यार अब जद के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इतना पोक क्यों करती है? बेबिका समझ नहीं आता है, जद आप टॉप 6 में हो, डोंट वरी। लोगों ने कहा बेबिका कितना प्रवोक करती है। काफी लोगों ने जद के लिए कहा, लोग कल्चर डिफरेंस क्यों नहीं समझते हैं? कोई कैसे सोच सकता है कि वो घर के अंदर रहकर घटिया चिक चिक सहता रहेगा? वो गलत था, लेकिन उसने अपनी बहुत ही विनम्रता से माफी मांग ली। जद हदीद घर के अंदर एडजस्ट होने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन मोहतरमा को तो बस पोक करना। एक ने कहा, बेबिका भी उतना दोषी है, सही तब होगा जब दोनों क्यूट करेंगे। सबसे पहले जद हदीद को आकांक्षा के साथ फ्रेंच किस मामले में सलमान खान से जमकर झाड़ लगी थी। इस हंगामे के बाद कोलंबिया के इस एक्टर और मॉडल जद को ये महसूस हो गया था कि उनसे गलती हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने घर के उस सदस्य से बिना सिर भड़ा लिया जिनके कहर से वो अब तक बाहर नहीं निकल रहे हैं। दोनों के बीच की नोकझोंक ने इस वक्त विकराल रूप ले लिया है। जब जद ने बेबिका को कपड़े उतार कर अपना बैग दिखाकर कंट्रोवर्सी से घिर गए। बेबिका ने उन्हें बहस करते हुए इतना उकसाया था कि उनकी बातें सुनकर गुस्से में जद ने अपना बैग दिखा दिया था। यह सच है कि ऐसा इससे पहले कभी इस घर में नहीं हुआ, क्योंकि इसे देख करके सबके होश उड़ गए थे। इस घटना के बाद बेबिका ने अपना सूटकेस पैक कर लिया था और कहा था, या तो वो इस घर में रहेंगी या फिर मैं। ये
जो व्यूअर है वो सेंटिमेंट से जुड़ रहा है, लेकिन ये भी तो सोचो ना, उसने किस किया, उसको एहसास हुआ, सलमान ने डांटा, उसने गलती मान ली, उसके बाद बेबिका को उसने चप्पल दिखाई, वो किसने नहीं देखा, कैमरे ने देखा, बेबिका के सामने वो थूका, किसी ने नहीं देखा, कैमरे में रिकॉर्ड है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसने की है। कोई भी लड़की जानबूझ के ऐसा नहीं करेगी, गेम है, गेम तो जद भी खेल रहा है, बेबिका भी खेल रही है, लेकिन इस गेम के अलावा भी कुछ उसने ऐसा किया है जो उसको नहीं करना चाहिए था। आखिर क्यों जिया उसको सपोर्ट करती है, क्यों पूजा बेबिका को सपोर्ट करती है, दर्शक ये समझेंगे तो उनको समझ में आएगा। आपका क्या कहना, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।